बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर क्लास 4। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ग्रेविटी। ग्रेविटी की यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली थी और क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम द अर्थ इट्सेल्फ। जो मोस्ट पावरफुल फोर्स है ग्रेविटी की, वो कहाँ से आती है? वो अर्थ की तरफ से आ रही होती है। एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज़ पुल टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ज़मीन पे, वो सारे ज़मीन का जो सेंटर है, सेंटर किसको कहते हैं? आपको पता है किसी भी चीज़ का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है या सेंटर जो होता है उसकी तरफ, उसको क्या कहते हैं? हम सेंटर कहते हैं। तो ज़मीन पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो जो अर्थ का सेंटर है उसकी तरफ पुल होते हैं। पुल किसको कहते हैं? खींचने को। द अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी कीप एवरीथिंग ऑन ग्राउंड। मतलब ये जो ग्रेविटी की फोर्स है, ज़मीन की ग्रेविटी की फोर्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको ज़मीन पे रखती है। इवन व्हेन ऑब्जेक्ट आर टोस्ड इनटू एयर दे आर पुल्ड बैक टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। इवन के जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, टॉस का मतलब होता है उछालना, उसको अगर हम हवा में उछालें तो वो वापस ज़मीन की तरफ ही आता है। दिस इज़ दैट इज़ ग्रेविटी एट वर्क। तो वो क्या होता है कि जो ग्रेविटी है वो काम कर रही है। मतलब जो भी चीज़ है, हम अगर उसको हवा में फेंकें तो वो दोबारा ज़मीन की तरफ किस वजह से आती है? वो ग्रेविटी की वजह से आती है। ऑल्दो द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी इज़ डिफरेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। जो ग्रेविटी की फोर्स है वो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट हैं उनके दरमियान डिफरेंट होती है। ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल टू अर्थ एट एग्जैक्टली द सेम स्पीड। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अर्थ पे, वो सेम स्पीड से ही ज़मीन की तरफ आते हैं। इफ़ यू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड ड्रॉप अ क्रिकेट बॉल एंड टेनिस बॉल एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, दे विल हिट द ग्राउंड टुगेदर। अगर आप किसी भी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं, तो अगर आप क्रिकेट बॉल या टेनिस बॉल अगर उसको नीचे फेंकेंगे तो वो दोनों सेम टाइम पे ज़मीन पे पहुंचेंगी। वो क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही स्पीड पे नीचे की तरफ आते हैं। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो वो किस वजह से? वो किसी और फोर्स की वजह से आ सकता है, जैसे कि फ्रिक्शन या फिर एयर रेजिस्टेंस की वजह से। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे कि जो ग्रेविटी है, अगर कोई भी चीज़ जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अगर वो किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ अगर उसको फेंकें तो वो सेम स्पीड से ही ग्राउंड पे पहुंचेंगे। जैसे कि अभी हमने क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल जो है उसकी एग्जांपल ली। उसके बाद नेक्स्ट है, दिस वुड बी द सेम विथ अ फ्रिज एंड अ स्मॉल स्टोन। मतलब यही चीज़ जो फ्रिज या स्मॉल स्टोन दोनों के लिए सेम होगी। द ओनली थिंग दैट विल मेक द ऑब्जेक्ट स्लोअर दैन द अदर इफ़ दे कम अप अगेंस्ट एन अदर फोर्स लाइक फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। मतलब अगर कोई चीज़ अफेक्ट करती है तो वो कोई दूसरी चीज़, दूसरी फोर्स होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दो चीज़ें ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रही हैं, अगर एयर रेजिस्टेंस हो, एयर रेजिस्टेंस हवा का दबाव, हवा के दबाव की वजह से उनकी स्पीड पे फ़र्क पड़ सकता है कि मतलब एक जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो हो जाए दूसरे से, तो किसी दूसरी फोर्स की वजह से अफेक्ट हो सकता है स्पीड पे। लेकिन क्या है कि ग्रेविटी की जो की वजह से जो पुल होते हैं दोनों ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ, वो सेम स्पीड से ही अर्थ पे पहुंचते हैं। अगर किसी चीज़ का अफेक्ट होता है तो वो दूसरी फोर्सेस का होता है, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस या फिर फ्रिक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, इस्केपिंग ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट कैन इस्केप ग्रेविटी बाय मूविंग आउट ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट फील्ड ऑफ ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी से कब बाहर जा सकता है? अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, मतलब वो स्पीड जो है वो मेंटेन रहे। ग्रेविटी का जो फील्ड है, ऑब्जेक्ट फील्ड ऑफ ग्रेविटी, अगर उससे वो बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट चला जाए तो वो इस्केप हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, रॉकेट है, ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो स्पीड मेंटेन रहती है। अगर वो स्पीड थोड़ी सी भी कम हो तो वो दोबारा से, वो ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा से अर्थ की तरफ पुल होना शुरू हो जाता है। टू दिस दे नीड टू रीच अ वेरी फास्ट स्पीड एंड मेंटेन दैट स्पीड। अब ग्रेविटी की फोर्स से बाहर जाने के लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है और उस स्पीड को मेंटेन भी करना होता है। मतलब मेंटेन का मतलब, अब जितनी स्पीड से वो जा रहा है उतनी ही स्पीड रहे, अगर उससे कम हुई तो वो दोबारा से
अर्थ उसको पुल करेगी. इफ़ दे स्लो डाउन दे विल बी पुल्ड बैक, अगर वो स्लो हो जाए तो क्या वो दोबारा से अर्थ की तरफ पुल होगी. रॉकेट लिविंग अर्थ नीड टू रीच एंड मेंटेन अ स्पीड ऑफ अबाउट 40,000 किलोमीटर पर आवर टू लीव द अर्थ एटमोसफियर. अब जैसे कि रॉकेट की एग्जांपल दी है कि उसको अर्थ को छोड़ने के लिए कितनी स्पीड चाहिए होती है, 40,000 किलोमीटर पर आवर, तो इतनी स्पीड उसको मेंटेन भी रखनी पड़ती है, तो तभी वो अर्थ से जो एटमॉस्फेयर से वो बाहर जा पाता है. तो एस्केपिंग ग्रेविटी हमने पढ़ी. तो आज की इस रीडिंग में हमने ग्रेविटी का ही पढ़ा कि ग्रेविटी किस तरह से अफेक्ट करती है. ग्रेविटी की वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ज़मीन पे वो अर्थ की तरफ पुल होते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सेम स्पीड से ही अर्थ पे आते हैं. अगर दोनों एक टाइम पे ही कोई भी ऑब्जेक्ट ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं तो वो सेम स्पीड पे आते हैं. अगर किसी चीज़ का अफेक्ट होता है तो वो किस चीज़ का होता है, वो किसी दूसरी फोर्स का, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस, हवा के दबाव, या फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को, या फ्रिक्शन की वजह से या एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी स्पीड पे फ़र्क हो सकता है. उसके बाद एस्केपिंग ग्रेविटी का हमने पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो अर्थ ग्रेविटी के फील्ड से बाहर जाए तो उसको क्या, वो जाने के लिए उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और उस स्पीड को मेंटेन करना पड़ता है. जैसे कि रॉकेट की एग्जांपल ली कि वो उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, 40,000 किलोमीटर एन आवर होती है, और इतनी स्पीड उसको मेंटेन करनी पड़ती है अर्थ को छोड़ने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, व्हाट अफेक्ट डज ग्रेविटी हैव ऑन ऑब्जेक्ट. ग्रेविटी का ऑब्जेक्ट पे क्या अफेक्ट होता है. ड्यू टू ग्रेविटी एवरी ऑब्जेक्ट पुल टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ. ग्रेविटी की वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अर्थ की सेंटर की तरफ पुल होते हैं. तो ये इसका आंसर है, ये अभी हमने रीडिंग में भी पढ़ा. डज ऑल ऑब्जेक्ट फॉल टू अर्थ एट सेम स्पीड. क्या सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम स्पीड से अर्थ के ऊपर गिरते हैं. येस, ऑल ऑब्जेक्ट फॉल टू अर्थ एट एग्जैक्टली सेम स्पीड. ये हमने अभी पढ़ा कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेम स्पीड से ही अर्थ पे आते हैं. तो ये आपकी डायरी है, इसको आपने लर्न भी करना है, होमवर्क भी करना है, और ये जो हमने रीडिंग की है तो वो रीडिंग भी आपने करनी है.